जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। यू जस्ट मेक द नॉइज लाइक दैट ना व्हेन द मैच ऑफ क्रिकेट पार्टिकुलरली विथ अदर कंट्रीज इज देयर। सो बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रिकेट, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिया, आवर कंट्री इंडिया, द मैप यू कैन सी। सो इंडिया की हम बात कर रहे हैं एंड पार्टिकुलरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉट हिस्ट्री, नॉट ज्योग्राफी एंड नॉट पॉलिटिकल साइंस, बट अबाउट द साइंस एंड दैट फूड। फूड, यस द फूड वी कंज्यूम डेली। सो इन इंडिया देर आर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यू नो द टोटल नंबर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ओके 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके सो दीज 28 स्टेट्स आर ऑल दीज पीपल फ्रॉम दीज स्टेट्स आर कंज्यूमिंग द फूड दैट इज सेम काइंड, एक ही जैसा फूड खाते हैं क्या? सो लेट्स चेक इट आउट। कैसे चेक करें? आई हैव डिफरेंट फ्रेंड्स फ्रॉम दीज डिफरेंट स्टेट्स। वी विल टॉक अबाउट 6 स्टेट्स पार्टिकुलरली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू नॉर्थ। नॉर्थ जाते हैं, उत्तर में जाता है कश्मीर। सो इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वन फ्रेंड इज देयर एंड ही इज मुजम्मिल। मुजम्मिल सर इज एक्चुअली ए PET एंड ही हेल्स फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट। ओके तो हम उससे पूछें, मुजम्मिल सर, मुजम्मिल सर क्या बना आपके यहाँ स्पेशल खाने में? वाओ क्या बना है? रोगन जोश बना है। रोगन जोश, दैट इज नॉन वेज डिश। ओके वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट दैट इज पंजाब। फ्रॉम पंजाब वन मैम इज देयर, दैट इज मिसेस परमजीत कौर बत्रा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, परमजीत कौर बत्रा में अगर कौर की जगह पे सिंह होता सो दैट पार्टिकुलरली विल बी अ मेल पर्सन। अगर यहाँ पे कौर लगा इसका मतलब शी इज ए फीमेल। तो ये पंजाबी स्टाइल में नाम रखने का स्टाइल है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट परमजीत कौर बत्रा मैम, शी इज पंजाबी एंड उनसे पूछते हैं कि उनके क्या स्पेशल बनाया। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, बहुत सारा बटर या घी। नाइस ओके। नेक्स्ट स्टेट में आते हैं हरियाणा। हरियाणा के फ्रेंड है एक, दैट इज मिस्टर गुरप्रीत सर। गुरप्रीत सर इज फ्रॉम नारनौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड ही इज ऑल्सो ए साइंस टीचर। तो उनसे पूछते हैं कि उनके यहाँ स्पेशल आज क्या बन रहा है। ओके क्या बन रहा है? काचरी की सब्जी और क्या है, बेसन मसाला रोटी एंड और खूब सारा बटर या घी। वाओ डिलीशियस है ना। चलो वापस आते हैं, वहाँ से पीछे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। राजस्थान, वन फ्रेंड इज देयर, एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान एंड वन फ्रेंड उनसे पूछते हैं राधेश्याम सर से। राधेश्याम सर इज फ्रॉम श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो उनसे पूछते सर आज आपके यहाँ पे क्या बना स्पेशल? क्या बना है? देखिए दाल बाटी। दाल बाटी तो आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, दैट दाल बाटी दैट डिलीशियस एंड विद अ लॉट ऑफ घी ऑल्सो। तो ये वहाँ की स्पेशल डिश। अब हम चलते हैं ईस्टर्न इंडिया की तरफ, झारखंड। फ्रॉम झारखंड वन पार्टिकुलर फ्रेंड इज देयर, ही इज रोबिन टोप्पो सर। रोबिन टोप्पो सर इज फ्रॉम झारखंड एंड हम उनसे पूछते हैं कि उनके यहाँ स्पेशल क्या बना उस खाने में। ओके उनकी स्पेशल डाइट क्या है वहाँ की? ओके पूछते हैं, तो रोबिन सर क्या बना बताएंगे प्लीज? लिट्टी चोखा। लिट्टी एंड चोखा, लिट्टी चोखा हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुना हो, जैसे रोगन जोश का नाम पहले, जैसे लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा इज द स्पेशल डाइट, द स्पेशल फूड फ्रॉम झारखंड। बिहार में भी ये स्पेशल डाइट है, वहाँ का खास वहाँ का फूड है। अब हम चलते हैं सुदूर साउथ में, इन साउथ इंडिया, कर्नाटका। सो इन कर्नाटका आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फूड ऑफ द कर्नाटका एंड द स्पेशल फूड एंड वी विल टॉक फॉर दैट फूड फ्रॉम बंदूर सर एंड अनिल सर। दीज बोथ टीचर्स आर कन्नड़ा टीचर्स, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सर प्लीज विल यू टेल अस विच फूड इज देयर द स्पेशल फूड? सर आर टेलिंग दैट द स्पेशल डाइट फ्रॉम कर्नाटका इज मसाला डोसा, इडली एंड सांभर। वाओ
सो नॉर्थ से लेकर साउथ तक वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ फूड्स एंड दोज वेराइटी दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इट मीन्स दैट इन इंडिया हमारे देश में जो कि एक वास्ट कंट्री है VAST वास्ट विशाल कंट्री है डिफरेंट काइंड्स के फूड खाए जाते हैं. तो आपके यहाँ पर भी आपके जो फ्रेंड्स अगर आप बात करेंगे अपने फ्रेंड्स से तो उनके यहाँ पर भी अलग अलग फ्रेंड्स के घर पे अलग अलग फूड कंज्यूम किया जाता है. तो हम बात करेंगे इस फूड के बारे में. तो इस फूड को हम एक टेबल के फॉर्म में नोट करते हैं. आप भी अपने फ्रेंड से पूछकर इस तरह एक टेबल बना सकते हैं जैसे कि अभी मैं आपके सामने बनाने वाला. टेबल जो हम बना रहे हैं वो टेबल है फूड के बारे में. फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पीपल हैव गिवन अस द टाइप्स ऑफ फूड डिफरेंट. तो वो वेराइटी अलग अलग तरह के फूड की वेराइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो टेबल का नाम है फूड वेराइटी. व्हाट डू वी ईट हम क्या खाते हैं हम खाते क्या है हमारे फूड में उसके बारे में. तो देखिए टेबल ये वन इस चैप्टर की फर्स्ट टेबल टेबल वन. तो दीज आर द सिक्स पीपल वी टॉक्ड अबाउट जिनके बारे में हमने बात की. फर्स्ट मिस्टर मुजम्मिल फ्रॉम JNK जम्मू एंड कश्मीर. फूड आइटम्स उन्होंने जो बताया फूड आइटम और डिश एक ही बात है. तो उन्होंने बताया रोगन जोश दैट इज ए नॉन वेजिटेरियन डिश एक नॉन वेजिटेरियन डिश है. सेकेंड बात करें मिसेस परमजीत के बत्रा की हमने बात की थी मैम के बारे में. शी इज फ्रॉम पंजाब पंजाबी. सो उन्होंने बताया था मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. सरसों को इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड. मक्का मेज तो मक्के की रोटी और सरसों का साग डेफिनेटली घी भी इसके साथ में होता है खूब सारा. थर्ड हम बात करें मिसे गुरप्रीत फ्रॉम हरियाणा. काचरी की सब्जी वेजिटेबल बेसन मसाला रोटी चपाती एंड बटर खूब बहुत सारा बटर. नेक्स्ट मिसे राधेश्याम राजस्थान से दाल बाटी बताया उन्होंने. एंड द फिफ्थ रॉबिन फ्रॉम झारखंड. ही टोल्ड अस दैट एट हिज होम इट वॉज लिट्टी चोखा ऑन दैट डे. एंड इन द लास्ट मिस्टर बंदूर सर एंड मिस्टर अनिल सर बोथ आर फ्रॉम कर्नाटका. उन्होंने बताया हमें मसाला डोसा इडली एंड सांभर. सो ये हमने एक टेबल बनाई. आप भी इस तरह से टेबल बना सकते हैं. इसमें अपने फ्रेंड्स के नाम जोड़ सकते हैं. आप अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए पड़ोसियों से बात कीजिए पड़ोसी फ्रेंड से कि आज आपके यहाँ डिश में क्या बना कौन सी डिशेज बनी थी. तो यहाँ पर एक खूब सारी वैरायटी होगी. सेम नहीं होगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंज होगा. हो सके चपाती हो सबके घर में सेम हो लेकिन सब्जी डिफरेंट हो सकती है दाल डिफरेंट हो सकती है. ओके सो इस तरह से आप भी एक टेबल बनाएंगे इसको भी. नाउ कंक्लूजन की बात करें कि इस सब इन सब चीज़ों से हमने क्या रिजल्ट निकाला. कंक्लूजन व्हाट आर द कंक्लूजन्स. फर्स्ट वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड डेली. डेली हम एक ही तरह का फूड कंज्यूम नहीं करते. वी ईट और कंज्यूम कंज्यूम भी बोलते हैं COMSUME. इस ईट की जगह पर आप लिख सकते हैं कंज्यूम COMSUME कंज्यूम COMSUME कंज्यूम. सो वी ईट और कंज्यूम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड डेली. सेकेंड वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स. ब्रेकफास्ट में इट विल बी डिफरेंट इन द लंच इट विल डिफरेंट इन द डिनर इट विल डिफरेंट एंड इफ वी आर गोइंग टू हैव सपर इट विल बी डिफरेंट. तो अलग अलग टाइम पर भी जो फूड होता है वो भी डिफरेंट होता है. अब ये हो सकता है कि आपने जो लंच बनाया था वही बच गया आपने वो भी डिनर में कर लिया. लेकिन मोस्टली ये प्रॉब्ली ये होता है दैट द फूड्स आर डिफरेंट. थर्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग स्टेट से हमने बात की. सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. वो अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं. तो अब हमने बात की अलग अलग स्टेट से अलग अलग तरह फूड. इवन आप जो दो नेबर्स हैं आपके पड़ोस में जो बंदे हैं जो फूड उन्होंने कंज्यूम किया वो डिफरेंट है और आपने जो कंज्यूम किया वो डिफरेंट है. इसका मतलब ये हुआ सो मच वैरायटी इन आवर फूड. हमारी कंट्री में ही नहीं इन एवरी कंट्री इन एवरी कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड एवरी स्टेट दो पीपल आर हैविंग वैरायटी इन द फूड. तो सो मच वैरायटी इन आवर फूड. फूड में कितनी ज्यादा वैरायटी है वाओ. सो नाउ द क्वेश्चन इज देयर व्हाट आर दीज फूड आइटम्स. ये जो फूड आइटम्स हैं ये या आपके घर में जो बना आज या आपके पड़ोसी क्या बना नेबर क्या बना है. तो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स और डिशेस. उस फूड आइटम को डिश भी बोलते हैं. हम बात की दाल बाटी दाल भी एक डिश है.
बाटी भी एक डिश है, लिट्टी भी एक डिश है, चोखा भी एक डिश है, मसाला डोसा एक डिश है, मक्के की रोटी इट्स अ डिश। सो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स और डिशेज, जो फूड आइटम्स जो है ये डिशेज हैं मेड ऑफ, वो किसकी बनी है, किसकी बनी हुई है, ये अलग अलग डिशेज किसकी बनाई जाती हैं, तो इसके बारे में बात करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। ये बने होते हैं इंग्रेडिएंट्स के, इंग्रेडिएंट्स, नहीं समझ में आया दिस वर्ड, इंग्रेडिएंट्स, द वर्ड इज इंग्रेडिएंट्स, प्रोनाउंसिएशन इट इज इंग्रेडिएंट्स। तो ये अलग अलग फूड आइटम्स वो बने होते हैं इंग्रेडिएंट्स के, तो ये इंग्रेडिएंट्स क्या है अभी बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। वन एग्जाम्पल ऑफ ए फूड आइटम, फूड आइटम और ए डिश, फूड आइटम एक डिश एक ही बात है, तो एक डिश है वो दैट इज बॉइल्ड राइस, पॉसिबली ऑल यू हैव ईटन बॉइल्ड राइस, कभी कभी आपने खाया है उबला हुआ चावल, तो कुक्ड राइस बॉइल्ड राइस, ये बनाने के लिए व्हाट वी नीड, हमें चाहिए टू आइटम्स, क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए बनाने के लिए, बॉइल्ड राइस बनाने के लिए, रॉ राइस मतलब कच्चा चावल चाहिए हमें जो वी ब्रिंग फ्रॉम द शॉप्स, सेकेंड इज वाटर, बस ओनली टू मटेरियल्स चाहिए, दो आइटम्स दो चीज़ें चाहिए बनाने के लिए, बॉइल्ड राइस बनाने के लिए, इसका मतलब बॉइल्ड, अच्छा बनाते कैसे हैं, बॉइल्ड रॉ राइस इन वाटर, पानी में आप राइस को बॉईल कर दीजिए, आपका बॉइल्ड राइस द डिश इज रेडी, नाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए दो मटेरियल्स चाहिए, ओके, तो ये दो मटेरियल्स बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए चाहिए, बॉइल्ड राइस क्या है, एक डिश है, और ये दो मटेरियल जो है जो उसको बनाने के लिए चाहिए, दीज टू मटेरियल्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। तो कोई भी फूड आइटम, एनी डिश और फूड आइटम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, एंड दोज मटेरियल्स, उन मटेरियल्स को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो हम देख लिखेंगे ऐसा, रिजल्ट क्या हुआ, टू मटेरियल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। इससे हम ये जाना हमने कि बॉइल्ड राइस बनाने के लिए कितने मटेरियल्स चाहिए, टू मटेरियल्स, रॉ राइस एंड वाटर, तो ये दोनों चीज़ें आर यूज्ड टू प्रिपेयर, प्रिपेयर बनाने के लिए अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड राइस की डिश बनाने के लिए दो मटेरियल्स चाहिए, तो इन दोनों, इस बॉइल्ड राइस के लिए दोनों क्या है, इंग्रेडिएंट्स, ये डेफिनेशन है, तो जो ये वाली बात है वही डेफिनेशन में भी आएगा, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, इंग्रेडिएंट्स, सो व्हेन वी राइट अ डेफिनेशन, जब हम डेफिनेशन लिखते हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द वर्ड ऑफ डेफिनेशन, यानी इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन लिखनी है, देन वी हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया डेफिनेशन विद इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमने स्टार्ट किया डेफिनेशन को, द मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स विच आर यूज्ड, जो बनाए यूज किए जाते हैं टू प्रिपेयर, बनाने के लिए ए डिश, एक डिश बनाने के लिए, डिश की जगह पे यू कैन राइट अ फूड आइटम एज वेल, आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। डेफिनेशन इज वेरी इजी ना, द मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए डिश, एक डिश बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए दोज मटेरियल्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स, तो यू कैन राइट द बॉइल्ड राइस इंग्रेडिएंट्स, रॉ राइस एंड वाटर। अब एक खास बात यह है, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बॉइल्ड राइस के मामले में कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, टू, बट इन डिफरेंट डिशेज द नंबर्स मे बी डिफरेंट, सो द नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स फ्यू और मोर, कुछ में कम किसी में ज्यादा, फ्यू का मतलब कम, मोर मतलब ज्यादा, तो कुछ कम भी हो सकता है, तो कुछ में किसी में बहुत ज्यादा भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल की बात करें, ए वेजिटेबल करी, एक सब्जी जो आपके डेली बनती है अपने घर, आपके घरों में, अपने घरों में, अब वेजिटेबल करी का एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए, कोई भी एक सब्जी बनाई जाए, तो सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो अलग अलग तरह की जो भी सब्जी आप इस्तेमाल करते हैं, सपोज इट इज ब्रिंजल, ब्रिंजल करी अगर बैंगन की सब्जी है तो आपको ब्रिंजल चाहिए, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सबसे पहली नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स क्या हो गई, ये इंग्रेडिएंट। सेकेंड सॉल्ट, नमक, सॉल्ट इज ऑल्सो नीडेड सब्जी बनाने के लिए, वेजिटेबल करी बनाने के लिए, करी मतलब वो जो शोरबा बनता है उसका, उसमें सूप भी होता है, मतलब पानी बोल सकते हैं उसको, तरकारी, तो सॉल्ट, सॉल्ट डालना पड़ता है, सॉल्ट इज ऑल्सो वन इंग्रेडिएंट। स्पाइसेस, मसाले, दिस वर्ड स्पाइसेस मीन्स मसाले, मसाले मीन्स डिफरेंट स्पाइसेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, जैसे कि हम बात करें क्या क्या, टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर, हम बात करेंगे बाद में, धनिया, मिर्ची, हल्दी एट्सेट्रा, सो दीज ऑल आर स्पाइसेस विच आर यूज्ड एट्सेट्रा।
तो मैंने जो नाम लिखे नहीं है उसको मतलब एटसेट्रा, ETC स्मॉल लेटर में लास्ट में डॉट लगा हुआ, इसका मतलब है एटसेट्रा, इसका मतलब ऐसे ही कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। तो किसी डिश को बनाने के लिए द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बेसिस पे टेबल बनाएंगे। तो अभी तक हमने बात की कि अलग अलग डिशेस अलग अलग स्टेट्स में बनती हैं और वो वहाँ की खासियत है। अब इंग्रेडिएंट्स के बारे में डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट फूड आइटम्स आर हैविंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। सो नाउ यू आर गिवन वन वर्क टू कंप्लीट वन टेबल, दिस इज एक्टिविटी नंबर टू। इसमें डिफरेंट डिशेज के नाम दे रखे हैं। देखिए आपके सामने एक टेबल है, तो एक्चुअली ये मैंने आपके लिए फिलअप कर दी ऑलरेडी। इसमें दो ही फूड आइटम्स के नाम थे और बाकी उनके इंग्रेडिएंट्स के ऑलरेडी फिलअप किए हुए थे और बाकी दो स्पेसेस खाली थे, मैंने भर दिया आपके लिए। लेकिन आपको 2, 3, 4 और फूड आइटम्स के नाम इसमें ऐड करने हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स इसमें मेंशन करना है। बस ये नहीं कि ये तो सर ने तो काम कर दिया अपना और फिर बस कॉपी कर लो। यू हैड टू फिलअप मोर कॉलम्स, मोर रोज इन दिस, और भरने इसके अंदर आपको। हम बात करते हैं एक करके इनके बारे में। सबसे पहले रोटी चपाती जो बनती है फूड आइटम के फॉर्म में, तो वो बनाने के लिए चाहिए क्या? इसमें दो ही मेंशन है, एक चीज कम है, दैट इज क्या है वो कम, दैट इज सॉल्ट, आटा, वाटर एंड सॉल्ट। आटा मीन दैट इज फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। नेक्स्ट हम बात करें दाल के बारे में। तो दाल, दाल अलग अलग तरह की होती है, एक तो दाल होती नहीं है। तो यहाँ पे जो पल्सेस लिखा है इसका मतलब यहाँ पे आपकी चॉइस की पल्स कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इट मे बी लेंटिल्स, इट मे बी अनदर दाल लाइक अरहर, इट मे बी पीस, इट मे बी ग्राम्स। सो डिफरेंट पल्सेस यू कैन सिलेक्ट। एंड इसके अलावा वाटर, सॉल्ट, नमक, ऑयल और घी एंड स्पाइसेस, यानी कि मसाले। जो सभी जो मसालों को इकट्ठा अलग अलग नाम देने के बजाय एक ही वर्ड से उनको सबको शामिल कर लिया। जो खाली स्पेसेस दे रखे थे मैंने भर दिया आपके लिए, दैट इज फ्रूट। नाउ फ्रूट इज ऑल्सो ए डिश, कुछ लोग फ्रूट डिश के में फ्रूट्स को खा लेते हैं। तो अलग अलग फ्रूट्स हो सकते हैं, मैंने दो नाम लिखे, मैंगो एंड बनाना। आप हो सकता है इसमें आप एप्पल लिखें, हो सकता है आप इसमें पपाया लिखें, हो सकता है इसमें बनाना के अलावा कुछ और आप लिख सकते हैं, अलग अलग जो आपको पीयर्स एटसेट्रा जो भी आपका फेवरेट हो, तो फ्रूट के फॉर्म में आ जाएगा। नाउ द लास्ट वन मैगी, जो मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहा है आपको, मैगी नूडल्स, 2 मिनट्स मैगी जो पैकेट में पैक्ड होती है, वो मैगी 2 मिनट्स में आप बना लेते हैं अपने घर में, कुक कर लेते हैं। लेकिन वो मैगी जो आपको कुक्ड दिख रही है, वो जो कच्ची आपके पास मैगी है, दैट रॉ मैगी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वॉट सब्सटेंसेज इट इज मेड, तो उन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। दोज आर व्हीट, व्हीट फ्लोर, सॉल्ट एंड स्पाइसेस और कुछ मसाले, तो उनका इस्तेमाल करके मैगी बनाई जाती है। और उसके बाद में आप तो 2 मिनट में बना लेते हैं, लेकिन जो अभी पीछे नजर आ रहा है वो 2 मिनट बनाने वाली है, लेकिन सच में उसको बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है मैगी बनाने में। सो दीज आर सम फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। आप इनमें से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अपनी टेबल में। सो दैट इज अबाउट दोज फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। सो एक्टिविटी 3 की बात करेंगे। एक्टिविटी 3 में टेबल 1.3 की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने अब तक पढ़ा सबसे पहले डिश के बारे में, फूड आइटम के बारे में। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोर्सेज इन दिस टेबल। तो सोर्सेज वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। नॉन लिविंग, यस। तो वो क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं इस टेबल में। तो देखिए इसमें 3 कॉलम्स हैं, फूड आइटम्स, देन इंग्रेडिएंट्स एंड इन द लास्ट वन सोर्सेज, कहाँ से वो इंग्रेडिएंट मिलता है। सो फर्स्ट फूड आइटम्स नेम इज देयर, दैट इज इडली। बैकग्राउंड में आपको नजर भी आ रही है इडली, दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है ना। यस इट इज साउथ इंडियन डिश है। तो इडली के जो इंग्रेडिएंट्स है ऑलरेडी आप जानते हैं, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। तो इनका एक एक करके हम सोर्सेज की बात करते हैं। राइस, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट, और प्लांट का नाम पता है कि राइस वाले प्लांट का नाम क्या होता है? इट इज ए पैडी प्लांट, PADDY, पैडी। नेक्स्ट उड़द दाल, अगेन वो भी एक प्लांट से मिलती है। सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट इज नॉट ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल, सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम आइदर सी और इट मे बी द सॉल्टी सॉल्ट वाटर लेक। शायद आपने सोशल साइंस में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा उसके बारे में कि कुछ सॉल्ट लेक्स भी होती हैं जिनका वाटर जो होता है सॉल्टी होता है।
इन द लास्ट वन वाटर, वाटर डेफिनेटली हमें सिटी सप्लाई से मिलेगा, अर्बन सप्लाई से या विलेज सप्लाई से मिलेगा, और वो एक्चुअली वो वाटर आता कहाँ से है, सिटी सप्लाई या अर्बन सप्लाई या रूरल सप्लाई के जो सप्लायर्स हैं वो पानी कहाँ से लाते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर बॉडीज। वो वाटर बॉडीज क्या हो सकती हैं, वो रिवर हो सकता है, वेल हो सकता है, वो हैंड पंप्स हो सकते हैं, वो डैम भी हो सकता है, तो डिफरेंट वाटर रिजर्वोयर्स वो वाटर के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट नंबर टू, इट इज चिकन करी, बैकग्राउंड में नजर आ रहा है आपको चिकन करी, तो एक्चुअली इट इज ए नॉन वेज डिश, और इसको बनाने के लिए इंग्रीडियंट्स चाहिए वो चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी एंड वाटर। तो ये इंग्रीडियंट्स हैं, इनके सोर्सेज की बात करते हैं, चिकन डेफिनेटली फ्रॉम एनिमल, स्पाइसेस मसाले जो मिलते हैं वो तो सारे प्लांट से मिलते हैं, थर्ड इज ऑयल और घी, तो वो प्लांट से भी मिलते हैं एनिमल से भी, एंड अगर हम प्लांट से मिलने की बात करें तो ऑयल मिलता है और घी मिलता है हमें एनिमल्स के मिल्क से, प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है उसको। एंड इन द लास्ट वाटर अगेन, फिर वही सिटी सप्लाई, रिवर, वेल, हैंडपम्प एटसेट्रा। यहाँ पे ई टी सी डॉट, इसका मतलब होता है कि ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इन द लास्ट वन द स्वीट डिश खीर, तो खीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है मिल्क, राइस एंड शुगर, लेकिन यही नहीं कुछ और भी हो सकते हैं जो आपको बैकग्राउंड में नजर आ रही है खीर, उसमें आपको आमंड्स भी नजर आ रहे शायद, और उसमें केशु भी डाल सकते हैं, इसके अलावा हमने रेजिन्स मतलब किशमिश ये भी डाल सकते हैं। तो हम तीन मेन जो इसके इंग्रेडिएंट उनके बारे में बात कर रहे हैं, मिल्क दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, राइस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, अगेन द नेम ऑफ दिस प्लांट इज पैडी, एंड द शुगर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, इट मे बी फ्रॉम शुगर केन और इट मे बी फ्रॉम बीट प्लांट, बीट मतलब चुकंदर का प्लांट, शुगर केन आप जानते हैं दैट इज गन्ने का प्लांट। सो दीज आर the sources examples in form of a tab. So our question is from where these ingredients come, kahan se aate hain, kahan se milte hain ingredients, so the answer is sources, srot se, from different sources. To ye sources kya hain iske bare mein humne table ke andar baat ki, table mein humne different sources ko dekha, to usme mainly there are two sources. To uske pehle aap ek baat karte hain ek example ke form mein, वीट फ्लोर के बारे में बात करें, गेहूं का आटा, वीट फ्लोर कहां से मिलता है, वीट के ग्रेन से, वीट के अनाज से, दाने से, तो वीट का जो दाना है दैट वीट ग्रेन, फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दैट, वीट प्लांट इन वीट फील्ड्स, वीट का जो प्लांट है उनको ग्रो किया जाता है इन वीट फील्ड्स, वीट के फील्ड्स में। उसी तरह से राइस ग्रेन्स, अनाज है कौन सा वाला, राइस चावल, सो फ्रॉम वेयर दिस राइस ग्रेन हैज बीन ऑब्टेंड, सो पैडी प्लांट्स, राइस के जो ग्रेन्स है अनाज है वो प्लांट का नाम है पैडी, पी ए डबल डी वाई, सो फ्रॉम पैडी प्लांट्स दिस राइस ग्रेन हैज बीन रिसीव्ड इन पैडी फील्ड्स, दैट इज ग्रोन इन पैडी फील्ड्स, राइस के खेतों में प्लांट का नाम कौन सा है, पैडी, तो पैडी से प्राप्त होता है हमें राइस। तो ये दोनों के दोनों खेतों में आपने देखा होगा, वीट आपने देखा होगा या राइस, दोनों में देखा होगा किसी ने किसी को, खेतों में रोज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की रोज खड़ी होती हैं, तो वो रोज क्या कहलाती हैं, जो प्लांट्स की रोज हम उनको बोलते हैं क्रॉप्स, सी आर ओ पी, यहां पे लिखा है नहीं लिखा, ओके, तो सी आर ओ पी क्रॉप, क्रॉप इज, मैं लिख दूं यहां पर रोज ऑफ प्लांट्स, इसको बोलते हैं सी आर ओ पी क्रॉप, तो यहां पे सोर्स क्या हो गया, प्लांट्स। तो इस तरह से सोर्सेज दो होते हैं मेनली, types of sources two, first is plants and second is animals, so दो sources हैं, इनकी थोड़ी detail में बात करते हैं, पहले plants के बारे में बात करेंगे, next we'll talk about the animals, so the first about the plants, plants की बात करें तो plant के जो source है वो दो, four types में they are distributed, so the first one grains or cereals, grains या cereals का मतलब एक ही होता है, मतलब अनाज, अनाज के दाने, second वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल सब्जियां, थर्ड फ्रूट्स फल, ऑयल सीड्स, कुछ प्लांट्स के सीड्स ऐसे होते हैं जिनसे कि ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तेल निकाला जाता है, तो दो आर नोन एज ऑयल सीड्स। सबकी बात करते हैं, ई यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ये जो एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज एक्चुअली नॉट फ्रॉम इंग्लिश, that is from another language, that is
लैटिन, LATIN, ये जो वर्ड है दैट इज फ्रॉम LATIN, लैटिन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? दैट इज इन साउथ अमेरिका। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल क्या है? ग्रेन्स या सीरियल्स के, व्हीट, राइस, व्हीट का मतलब गेहूं, राइस, चावल, मेज, मक्का, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगेन अनदर वर्ड इज हियर ETC डॉट। तो ETC डॉट का मतलब होता है एक्चुअली दिस इज ऑल्सो डॉट फ्रॉम इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, दैट इज ग्रीक लैंग्वेज, GREEK, ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज कहाँ की है? दैट इज फ्रॉम ग्रीस। ग्रीस एक कंट्री का नाम है, वहां की लैंग्वेज कौन सी है? ग्रीक। तो ग्रीक में इस एटसेट्रा का मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स, और ऐसी चीजें। तो व्हीट, राइस, मेज, ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसलिए सब एग्जाम्पल ना लिख के हमने क्या लिख दिया? ETC डॉट, इसका मतलब है एटसेट्रा। पढ़ते क्या इसको? एटसेट्रा। इसको इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल। तो इजी के लिए हमने एग्जाम्पल लिखे, एटसेट्रा मतलब कुछ और भी एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेबल्स। सो डिफरेंट वेजिटेबल्स, फर्स्ट पम्पकिन, पोटैटो, टोमेटो एंड एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स। फ्रूट्स, फलों की एग्जाम्पल की बात करें, एप्पल, पियर, मैंगो एटसेट्रा। एंड इन द लास्ट वन, ऑयल सीड्स की बात करें, मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सोयाबीन एटसेट्रा। तो इनके सीड से ऑयल निकाला जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड सोर्स ऑफ द फूड, दैट इज एनिमल्स एज सोर्सेज। एनिमल से जो फूड मिलता है वो सेकेंड सोर्स है, दैट इज फर्स्ट मिल्क, देन मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। मिल्क के एग्जाम्पल कौन कौन से एनिमल से मिल्क मिलता है? यू नो, काउ, बफेलो, गोट एटसेट्रा, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एंड मीट प्रोडक्ट्स, जिनसे कि मीट मिलता है, फ्लैश, मांस मिलता है, एग्जाम्पल चिकन, बीफ, पोर्क, सी फूड एटसेट्रा। चिकन यू नो अबाउट द हैन एंड कॉक, मुर्गे का जो पोल्ट्री से पोल्ट्री फार्म में पाले जाते हैं उनसे मिलता है वो चिकन। बीफ दैट इज फ्रॉम द काउस, कुछ लोग काउ का मीट भी खाते हैं, यस। पोर्क, पिग्स का मीट, उसको पोर्क बोलते हैं। सी फूड का मतलब फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, केकड़े, झींगा एटसेट्रा, तो दैट इज सी फूड। एंड इन द लास्ट, एग्स। एग्स आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम द एनिमल्स, तो अलग अलग एनिमल्स के एग्स भी खाए जाते हैं फूड के फॉर्म में, हैन, डक एटसेट्रा, मुर्गी का अंडा, डक। आपने क्रिकेट में शायद देखा होगा कि अगर कोई बंदा 0 पे आउट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ही गॉट अ डक, ही गॉट ऑन आउट ऑन डक, डक पे आउट हो गया। डक मतलब बतख। एक्चुअली डक का जो एग होता है ना वो बिल्कुल राउंड होता है, सर्कुलर शेप वाला, बिल्कुल राउंड होता है, इसलिए उसको डक बोला जाता है 0 पे आउट हो गया तो। लेकिन हम यहाँ बात करें डक का एग, ये भी खाया जाता है। सो हमने बात की सोर्सेज, दो तरह के एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। इसके अलावा हमने, ये तो लिविंग सोर्सेज हैं, लेकिन इनके अलावा एक सोर्स और भी होता है, वो नॉन लिविंग होता है। जैसे हमने बात की वाटर के बारे में, तो वाटर ना तो प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है, सो दैट इज ऑप्टेड फॉर वाटर बॉडीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोर्सेज।
हमने बात की प्लांट्स आर ए सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, एनिमल्स भी हैं प्लांट्स भी हैं, तो प्लांट्स ज़्यादा बड़ा सोर्स होते हैं, तो प्लांट्स सोर्स है, तो उस प्लांट की क्या अदर अदर डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, आर ऑल दोज पार्ट्स एडेबल, खाने योग्य होते हैं, क्या सबसे हमें फूड मिलता है या किसी एक से फूड मिलता है? तो ये जानने के लिए फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डायग्राम बना चुके हैं हम लोग और डायग्राम को लेबल भी कर लिया है, हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं उनको और समझने की कोशिश करते हैं बड़ा दोस्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फ्लावर, द प्रोनाउंसिएशन यू हैव टू चेक इट आउट। सेकेंड इज बर्ड, जो बाद में क्या बन जाती है, फ्लावर। थर्ड दिस इज द स्टेम, क्योंकि होल्ड करता प्लांट को, प्लांट को होल्ड किया ना यहाँ पर, स्ट्रेट रखा है, स्टेम हिंदी में तना बोलते हैं। दिस इज लीफ, ये लीव्स हैं और भी। दिस इज ब्रांच, ये ब्रांच, ब्रांच। इंटरनोड, इंटरनोड कौन सा है इसके बारे में समझना पड़ेगा आपको। यहां से एक ब्रांच निकल रही है, ये स्टेम है, स्टेम से ये ब्रांच इधर जा रही है, और इसकी सेकेंड वाली जो ब्रांच है वो यहां से निकल रही है। तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहां से ब्रांच निकल रही है और यहां से ये पॉइंट जहां से ब्रांच निकल रही है, ये एक के बाद में दूसरा, ऐसा नहीं कि यहां वाला नहीं, मैं एक इस ब्रांच की बात कर रहा हूं, एक सेकेंड ब्रांच की बात कर रहा हूं, तो दो पास पास वाली ब्रांचेस, दो नियरेस्ट ब्रांचेस के बीच की जो बीच का जो पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज इंटरनोड। एंड फ्रॉम वेयर, और जहां से ब्रांच इमर्ज होती है स्टेम से, ये स्टेम है, स्टेम से जो ब्रांच निकली है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड। ओके नेक्स्ट, तो दीज ऑल दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, सॉइल के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, जो हमें विजिबल है, जो नजर आते हैं, इनको बोलते हैं, सबको मिला के बोलते हैं प्लांट का कौन सा पार्ट, SHOOT, शूट, ये शूट वाला पार्ट है। एंड द पार्ट विच इज अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर है, विच इज नॉट विजिबल टू अस, हमें नजर नहीं आता, होता जरूर है, तो दैट पार्ट इज नोन एज रूट, ROOT, रूट। तो रूट है वो भी थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। इसके बाद में पहली जो सेंटर में रूट जा रही है वो मेन रूट, उसके बाद में उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो जो फर्स्ट ब्रांच है उसका नाम है, जो सबसे पहली जो ब्रांच आ रही है उसका नाम तो क्या है, प्राइमरी रूट। उसके बाद उसकी जो ब्रांच निकली है उसका नाम है सेकेंडरी रूट। उस सेकेंडरी रूट की एक और ब्रांच निकली है उसका नाम है टर्शियरी रूट। टर्शियरी में टी का प्रोनाउंसिंग क्या है, एस एच, टी का प्रोनाउंसिएशन एस एच, श है, टर्शियरी रूट। और जब लास्ट में इन सभी रूट्स के लास्ट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों जैसी स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रूट हेयर। रूट्स के भी बाल होते हैं, हमारे बाल तो यहां पर है, हमारे हेड पर, टॉप पर, इनके बाल क्या है, इनके बॉटम में है ना, मजेदार। तो रूट हेयर, तो ये सब मिलके जो अंडरग्राउंड पार्ट है दैट इज रूट। आपने लेबलिंग का ध्यान दिया, लेबलिंग मोस्टली इन साइंस इज डन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फिगर, फिगर के राइट हैंड साइड में लेबलिंग की जाती है। ओके और ये लेबलिंग की जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, दी लाइंस आर एंडिंग एट ए वन, एक ही डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट लाइन में वो खत्म हो रही हैं, यहां पर खत्म हो रही है, यहां पर ऐसे नहीं कि एक लाइन यहां चलेगी, एक आपने यही ये लिख दिया बर्ड, ये आपने लीफ को यहां लेबल कर दिया, सो दैट इज नॉट राइट। राइट व्हाट इज राइट, वी हैव टू ड्रॉ दीज लाइंस ऑफ सेम लेंथ, विच आर एंडिंग एट द सेम पॉइंट, एक ही डिस्टेंस में, एक ही सीध में वो खत्म हो रही है। ओके एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अब कुछ लाइन्स ना स्ट्रेट बाद में है लेकिन शुरुआत में वो ऑब्लिक है, तिरछी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये हो सकता है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू कीप द लाइन्स स्ट्रेट। शुरुआत में वो लाइन्स तिरछी हो सकती है लेकिन लास्ट में वो लाइन्स सीधी होना सही जरूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो लाइन्स हैं लेबल्स, ये लेबल्स हैं, इनको लेबलिंग बोलते हैं, तो दीज लेबल्स लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, काट नहीं रही एक दूसरे को, कि ये लाइन हमें यहां से लेके उधर लेके जाते हैं, इंटरनोड की जगह पे नोड यहाँ लिख देते हैं, इंटरनोड यहाँ लिख देते, काट देते, मतलब दो लाइंस को आपस में क्रॉस नहीं कर सकते। एक और इम्पोर्टेंट बात, नीचे की तरफ जो फिगर किसी भी डायग्राम को, वो फिगर को बनाते हैं साइंस में, तो उसके नीचे की तरफ उसका फिगर का नाम लिखते हैं, टाइटल, व्हाट इज द फिगर, फिगर इज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो इस फिगर से हमने जाना कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके पार्ट्स वी अंडरस्टूड।
that which part is where and which part is on the soil of the surface above and which part is below the surface or underground. So now the question is, क्या ये जो डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे, फ्लावर, बर्ड, स्टेम, लीफ, ब्रांच, इंटरनोड एटसेट्रा, ऑल दीज रूट एटसेट्रा, आर ऑल दीज पार्ट्स कैन बी ईटन एज ए फूड? क्या सभी पार्ट्स को खाया जा सकता है क्या? क्वेश्चन इज दिस. तो इसको जानने के लिए हम यहाँ स्टडी करते हैं दैट डू वी ईट ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. क्या हम सभी पार्ट्स को खाते हैं किसी प्लांट के? तो आपका जवाब मुझे समझ में आ रहा है, शायद यू आर टेलिंग दैट सम पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन. कुछ पार्ट्स कुछ प्लांट खाए जाते हैं और कुछ अदर पार्ट्स हैं वो दूसरे प्लांट्स के खाए जाते हैं. तो उसके लिए हम अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए एक टेबल बनाई है. पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द पार्ट्स आर ईटन, राइट हैंड साइड उनके एग्जांपल्स कि कौन कौन से प्लांट्स में वो वाला पार्ट एज फूड खाया जाता है. सो फ्लावर, फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कौन से प्लांट्स में खाया जाता है? तो कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. कॉलीफ्लावर ब्रोकली इन्हीं के फूल खाए जाते हैं फूड के फॉर्म में एटसेट्रा. लेकिन कुछ और भी है एग्जाम्पल जिसका कि मैं लास्ट में बताऊंगा. लीफ, पत्ती, लीफ, स्पिनैक, कैबेज, क्लावर एटसेट्रा. स्पिनैक मतलब पालक, फूल गोभी, इसको इंग्लिश में नॉल फॉर भी बोलते हैं, हिंदी में गांठ गोभी. एक वर्ड और इसका नॉल, के साइलेंट है, खोल प्रोनाउंसिंग है, नॉल खोल, ये के साइलेंट है, गूंगा है लेकिन आवाज नहीं आती उसकी. तो पढ़ते क्या है इसको, नॉल एंड ये खोल, इसमें के साइलेंट आती है, के साइलेंट इसमें नहीं है, इसमें बोलता है. तो कैबेज इसमें भी पत्तियां आती है उसकी. क्लावर मेथी एटसेट्रा, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके. फ्रूट कौन से प्लांट का फ्रूट खाया जाता है? ये तो आपको पता ही है, मैंगो, एप्पल, चिली. चिली मतलब मिर्च, मिर्च का फ्रूट खाते हैं. यस, जो चिली आप खाते हैं वो एक्चुअली फ्रूट है. हमने इसके बारे में पहले भी बात की कि साइंस में ये वेजिटेबल्स जो भी हैं, ब्रिंजल, बैंगन, दीज वेजिटेबल्स आर नोन एज फ्रूट्स. नेक्स्ट स्टेम, जो स्टेम है वो कौन से प्लांट का खाया जाता है? शुगर केन, गन्ने का. पोटैटो, पोटैटो फ्रूट लग रहा है ना, बट दैट इज नॉट ए फ्रूट, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के अंदर वाला स्टेम है. और वो कैसे है इसके बारे में वी विल टॉक इन सेवंथ क्लास मोर, कि वो स्टेम है क्यों उसको स्टेम बोलते हैं. अभी हमने यहाँ बात की थी नोड इंटरनोड की, है ना. तो उसके स्टेम में पोटैटो में जो बीच बीच में गड्ढे जैसे आइस स्ट्रक्चर बने होते हैं ना, एक्चुअली वो, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेवन क्लास में, ज्यादा डिटेल में जाएगा अभी बात करेंगे. तो जिंजर, अदरक, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है. नेक्स्ट रूट, कैरट, रेडिश, गाजर, रेडिश मूली एंड बीट रूट, चुकंदर जिससे कि शुगर भी बनती है. नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें है सीड, बीज भी खाए जाते हैं क्या? यस, अलग अलग तरीके से. मस्टर्ड, सरसों के बीज, किसके लिए? ऑयल के लिए. पी, मटर, ग्राम, चना. तो हमने इस टेबल से जाना कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाया जाता है. सो इसी का कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन क्या निकला? मैनी पार्ट्स आर सोर्स ऑफ फूड. प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं वो फूड के सोर्स हैं, उनसे फूड प्राप्त होता है. तो ऐसे पार्ट जिनको जिनसे फूड मिलता है उनको बोलते हैं एडिबल, EDIBLE, एडिबल और ईटेबल, जिनको खा सकते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें बबूल के प्लांट की, तो बबूल के प्लांट हमारे लिए एडिबल नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे एनिमल्स के लिए एडिबल हो सकता है. उसकी पत्तियाँ बहुत सारे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, यू नो दैट, गोट्स को, बकरियों को बहुत पसंद है उसकी पत्तियाँ. तो उसमें भी ईटेबल पार्ट है. तो एडिबल और ईटेबल का मतलब जिसको खाया जा सकता है. उसके एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे. मस्टर्ड मतलब सरसों का, तो उसमें सरसों में जो सीड्स होते हैं वो ऑयल के फॉर्म में यूज करते हैं हम तेल के लिए. एंड लीव्स आर यूज फॉर वेजिटेबल करी, सरसों का साग. हमने बात की थी ना बत्रा में, जो पंजाब वाली हैं उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ सरसों का साग और मक्के की रोटी बनी है. तो ये सरसों का साग, दिस लीव्स आर यूज एज द वेजिटेबल करी ऑफ मस्टर्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बनाना. बनाना में फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, लीफ, ये सब भी खाए जाते हैं. वाह, आपने खाया कभी फ्रूट? एवरीडे, बहुत बार मतलब. एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स भी खाए जाते हैं. वाह, बनाना के फ्लावर्स भी खाए जाते हैं फूड के फॉर्म में ह्यूमंस के द्वारा, हमारे द्वारा. ह्यूमंस मतलब वी, द ह्यूमन बींग्स, मनुष्य. एंड थर्ड स्टेम एंड लीफ, दीज टू पार्ट्स आर ऑल्सो देयर,
दीज टू पार्ट्स आर नॉट ईटन बाई अस, ह्यूमन बींग्स तो नहीं खाते लेकिन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स खाते हैं। और आपने शायद देखा होगा कि बनाना की जो लीफ होती है ना, उसको हम खाते तो नहीं है बट उसका प्लेटर बनाते हैं, प्लेटर मतलब उसकी प्लेट, साउथ इंडिया में प्लेटर में सब्जियां खाना परोसा जाता है, तो उसका इस्तेमाल खाने के लिए हम लोग नहीं करते लेकिन खाने के लिए एक प्लेट के फॉर्म में इसका यूज़ करते, लेकिन दूसरे एनिमल्स उसको भी खाते हैं। अब आपके लिए एक रेसिपी है, ए रेसिपी ऑफ पम्पकिन फ्लावर्स। अभी हमने बात की थी कि बनाना के फ्लावर्स को भी हम खाते हैं, उसी तरह से पम्पकिन कद्दू के फूलों को भी खा सकते हैं। कैसे खाएंगे आप, डायरेक्टली नहीं, उसका एक रेसिपी का मतलब है मैं एक फूड डिश बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ क्या करना आपको। आपको बनाना के सॉरी पम्पकिन के फ्लावर्स को यू हैव टू पेस्ट, एक पेस्ट बनाना, सॉरी एक पेस्ट बनाना, किसका बनाना है, राइस के आटे का, चावल के आटे का आपको पेस्ट बनाना है। उसके बाद में वो पेस्ट बन गया, पेस्ट बनाने के बाद में वो लपेट देना किसके ऊपर, ये जो फ्लावर्स हैं पम्पकिन के फ्लावर्स, उनको लपेट लेना, जैसे बेसन में लपेट, बेसन के बेसन मिर्च को लपेटते हैं, उसी तरह से या चावल का आटा है वो लपेट दिया फ्लावर्स में। अब उसके बाद में उनको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद में वाओ, उसके बाद बताइए टेस्ट कैसा रहा, मुझे जरूर बताना, ठीक है, कमेंट लिख कर कि कैसा आपको। सो टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो एडिबल पार्ट्स होते हैं वो फूड के फॉर्म में कंज्यूम किए जाते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो देर आर थ्री कॉलम्स इन दिस टेबल, द फर्स्ट कॉलम इज देयर फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, प्लांट का कोई पार्ट है उसका सोर्स है, उस फूड आइटम का इसमें मेंशन है। एक आपके लिए दिया गया था बुक में, मैंने बाकी फाइव इसमें और मेंशन कर दिए हैं आपके लिए, बट यू हैड टू एड मोर फ्रॉम योर साइड दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्ग्रीडियंट्स सोर्सेज एंड द प्लांट पार्ट्स विच गिव्स द इन्ग्रीडियंट। सो द फर्स्ट वन ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी की बात करें तो ब्रिंजल करी आपको अभी बैकग्राउंड में नजर आ रही है, दिस वन ब्रिंजल करी, ओके ब्रिंजल करी हमें दिख रही है यहाँ पर, और ब्रिंजल करी इंग्रेडिएंट्स उसके कौन कौन से, ब्रिंजल चिलीज स्पाइस, ये वही उन्हीं पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं जो कि हमें फूड मिलता है, वो वाला फूड मिलता है हमें प्लांट से, ओके ब्रिंजल चिली एज स्पाइस और दूसरे भी स्पाइसेस हो सकते हैं, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, तो ये प्लांट के पार्ट्स हैं। अब ब्रिंजल की बात करें तो ब्रिंजल, व्हाट इज दिस ब्रिंजल, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज दिस, सो दिस इज अ फ्रूट, फ्रूट फल, ये ब्रिंजल तो फल है कि सब्जी है। एक्चुअली इन बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच यू डील अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो इन दैट बायोलॉजी एक्चुअली द ऑल वेजिटेबल्स आर ऑल्सो नोन एज फ्रूट, सो ब्रिंजल इज ए फ्रूट बिकॉज इट इज हैविंग द सीड्स इनसाइड इट। चिली एज स्पाइस, चिली मिर्च, सो व्हाट इज दैट, दैट इज अगेन ए फ्रूट। Now oil from groundnut, so these groundnut, mustard or soybean, any other plants, these plants are having the seeds to produce the oil. So the यहाँ पर जो ingredient है उसका जो plant का part है किससे मिला, वो seed से मिला, बीज से मिला। Now next second food item that is idli, idli के बारे में हम बहुत बातें करते आए पहले से भी, so that is idli, you can see in the background here. So this idli is having the ingredients rice and urad dal. हमने बात की थी और भी ingredients होते हैं लेकिन we are talking about only those parts, those ingredients which are obtained from the plants. Okay? So rice is obtained from plant and which part? That is seed. Urad dal again वो भी plant की seed से मिलती है. Okay? So next, now we will talk about the another next one that is चिकन करी। सो चिकन करी इज ऑब्टेंड फ्रॉम डिफरेंट इंग्रीडियंट्स, इंग्रीडियंट्स की बात करें चिली एज स्पाइस एंड ऑयल, हम बात करें ओनली उन्हीं सोर्सेज की जो कि प्लांट से मिल रहे हैं, तो चिली एज स्पाइस को हम जानते हैं कि चिकन करी तो एक इसमें एनिमल भी शामिल है जिसका कि चिकन का पार्ट है मेन वाला, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट पार्ट, तो चिली एज स्पाइस जो स्पाइस के फॉर्म में, मसाले के फॉर्म में चिली का इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज दैट, चिली, दैट इज ए फ्रूट, फल है वो, फ्रूट है। एंड ऑयल
ऑयल प्लांट से मिलेगा डेफिनेटली, अगेन इट इज ए सीड. नेक्स्ट वन इज, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज, व्हाट इज दैट, दैट इज खीर. ओके, सो यू कैन सी दिस खीर हियर एंड यू नो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट. ओनली वी विल टॉक अबाउट दोज इंग्रेडिएंट्स विच ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. सो हियर राइस एंड शुगर. मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मिल्क. सो राइस इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ द पैडी प्लांट, पैडी के प्लांट के सीड से मिलता है. और शुगर, चीनी, वो प्लांट की स्टेम से, अगर हम बात करें जैसे शुगर केन की बात करें, दैट इज द स्टेम ऑफ द प्लांट. नाउ नेक्स्ट, दैट इज रोटी चपाती. यू कैन सी रोटी चपाती, घी लगी हुई. ओके, सो हियर रोटी चपाती का जो इंग्रेडिएंट है जो प्लांट से मिलता है, दैट इज आटा और वीट फ्लोर. तो वीट फ्लोर जो आटा है वो वीट के सीड से बना है, दैट इज द सीड. एंड इन द लास्ट इट इज मैगी, जिसकी बात हम पहले से ही करते आ रहे हैं, मैगी, 2 मिनट मैगी. तो दिस मैगी इज ऑल्सो हैविंग द इंग्रीडियंट्स विच आर पार्ट ऑफ द प्लांट. सो इसके दो पार्ट्स हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में है, वीट एंड चिली एज स्पाइस. वीट की बात करें तो वीट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की सीड से, बीज से. और चिली जो स्पाइस के फॉर्म में है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट. यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, एक बॉय एंड वन गर्ल. ये आपके दोनों फ्रेंड्स हैं. ये फ्रेंड्स पता है क्लास सिक्स से लेकर साइंस में आपको 10th 11th 12th तक भी मिलेंगे आपके दोनों फ्रेंड्स. एक का नाम है बूजो, बॉय का नाम, द गर्ल इज नेम्ड एज पहेली. व्हाई दीज आर टू फ्रेंड्स ऑफ यू, बिकॉज ऑल द ईयर पूरे साल भर इन साइंस दे एक्चुअली हेल्प यू एंड समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस टू यू. ओके, तो वो अभी क्या बोल रहे हैं, पहेली एक्चुअली समथिंग, पहेली इज टेस्टिंग, वो पहेली कुछ टेस्ट कर रही है और बूजो उसको मना कर रहा है. व्हाई, बिकॉज इट मे बी डेंजरस, बिना किसी के बड़े के इंस्ट्रक्शन के या गाइड किए हुए अननोन चीज़ों को वी शुड नॉट टेस्ट बिकॉज इट मे बी हार्मफुल. ओके, सो दैट इज द कॉशन, चेतावनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए. अननोन चीज़ों को कभी भी हमें टेस्ट करने की कोशिश, वी शुड नॉट डू दैट. नाउ वी विल टॉक अबाउट वन इंटरेस्टिंग रेसिपी, अनदर रेसिपी. जो एक आपको बोली थी मैंने पहले, वो वाली बनानी है आपको, एक दूसरी वाली जो आपके घर में बनाई हुई जाती होगी, उसका नाम है स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड सीड्स, तो हाउ डू वी प्रिपेयर, कैसे हम बनाएं स्प्राउटेड सीड्स, इसके बारे में बात करते हैं. अंकुरित अनाज हिंदी में. सो रिक्वायर्ड मटेरियल्स, हमें क्या क्या चाहिए पहले तो ये लिख रहे हैं. सीड्स ऑफ मूंग और ग्राम, वो मूंग के सीड्स भी ले सकते हैं, ग्राम के सीड्स, ग्राम मतलब चना. वाटर, ए बाउल, एक कटोरा. कॉटन क्लॉथ, कॉटन का कपड़ा. मैटर, कैसे कैसे बनाना है, क्या करना है. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग, सपोज हमने मूंग के सीड्स लिए हैं, तो मूंग सीड्स, तो हमने ड्राई सीड्स लिए हैं कुछ, और उसके बाद व्हाट वी हैव डन, पुट द सीड्स इन ए बाउल. बाउल जो हमने लिया था, उस बाउल में, जो बाउल में क्या लिया, ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर, बाउल को पानी से भर लिया और उसमें डाल दिया हमने इन सीड्स को, जो सीड्स लिए थे, दो सीड्स वी हैव पुट इन टू द बाउल, कटोरे में. लीव असाइड फॉर ए डे, अब उस कटोरे में जिसमें वाटर भरा है और सीड्स डाल दिए, नाउ वी हैव टू लीव दिस बाउल फॉर ए डे, पूरे दिन के लिए, फॉर 24 आवर्स के लिए हमने इसको छोड़ दिया. लीव असाइड, असाइड मतलब एक तरफ छोड़ दिया. नाउ नेक्स्ट डे व्हाट वी हैव टू डू, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली, पानी को पूरा ड्रेन कर दिया, मतलब नाली में बहा दिया, निकाल दिया. ड्रेन मतलब नाली होता है, और ड्रेन का मतलब नाली में बहाना भी होता है. तो वाटर को कंप्लीटली हमने ड्रेन कर दिया, जो उसमें बाउल में पानी था, बच क्या गए सीड्स, उनका क्या करना है. रैप द सीड्स इन ए कॉटन क्लॉथ, रैप मतलब लपेटना, वो जो सीड्स है उनको किस में लपेट दिया हमने, एक कॉटन के क्लॉथ में, कपड़े में लपेट दिया. नाउ लीव असाइड फॉर ए डे, अब कॉटन के क्लॉथ में इनको लपेट दिया, और इन सीड्स को भी हमें रख देना है फॉर ए डे, एक दिन के लिए. लीव असाइड, एक तरफ हमने रख दिया. अब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन मतलब देखेंगे हम नेक्स्ट ईयर, प्रेक्षण किया हमने, ऑब्जर्व किया कि नेक्स्ट डे ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, सफेद एक स्ट्रक्चर, छोटी सी एक वाइट स्ट्रक्चर, सफेद स्ट्रक्चर हैज ग्रोन आउट ऑफ मेनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स से कुछ कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल के आ गई है. व्हाट इज दैट,
वही तो स्प्राउट है, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, दिस इज रिजल्ट, सीड्स आर स्प्राउटेड, सीड्स हैं वो स्प्राउट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे आप, एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या करना है, सीड्स रेडी है आपके पास, नाउ व्हाट विल यू डू, वॉश द सीड्स, वॉश द स्प्राउटेड सीड, वॉश कीजिए उनको एंड और खा जाइए एंड ईट। एक और तरीका है, बॉयल एंड ऐड सम स्पाइसेस, उनको बॉयल करके कुछ मसाले उसमें डालकर उसके बाद में खा सकते हैं, तो टेस्टी स्नैक इज रेडी। स्नैक मतलब जैसे स्नैक्स शाम को जो खाया जाता है उनको स्नैक्स बोलते हैं, आपको अपने घर में बनाते होंगे मम्मी पापा, तो वो स्नैक्स नहीं बनाते, कोई बात नहीं, आप इस तरह बना सकते खुद भी, बड़ा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, उसे नुकसान भी कोई नहीं होता। तो ये हमने फूड की बात की कि हमें फूड प्लांट से मिलता है, इसका एक तरीका। अब एक एग्जाम्पल और की बात करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स की, बहुत सारे एग्जाम्पल की बात कर चुके, लेकिन एक एग्जाम्पल दैट इज हनी। आपने हनी खाया, शहद डेफिनेटली खाया आप लोगों ने, तो ये हनी आता कहाँ से है, वेयर डज दिस हनी कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, मिलता कहाँ से है, शॉप से खरीद लाते हैं तो पैक्ड होता है ना डब्बे में, नॉट दैट एक्चुअली वो डब्बे में पैक होता है, वो कहाँ से आया, लाया कहाँ से गया, वो कहाँ से आया, किसने बनाया है, तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एक्चुअली द आंसर इज बी हाइव, ये बी हाइव ने, बी हाइव से हमें मिला है, बी का मतलब क्या है, हनी बी, हनी बी का शॉर्ट नेम क्या है, बी, और हनी बी पूरा नाम है, उसका जो छत्ता होता है उसको बोलते हैं बी हाइव, तो हनी बी हाइव भी बोल सकते हैं, या बी हाइव की जगह पे इसके पहले हनी भी लिख सकते हैं, सो हनी बी हाइव से हमें मिला कौन, हनी, तो हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, तो हनी बीज कैसे बनाती है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हनी बीज कलेक्ट करती है नेक्टर, कलेक्ट करती है नेक्टर, क्या है ये फ्लावर्स से मिलता है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्वीट जूस, फ्लावर्स के अंदर होता है, आप नहीं निकाल सकते, एक्चुअली दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन द फ्लावर्स, फ्लावर स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, पेटल्स के पास होता है, तो वहां पर स्वीट जूस कलेक्ट करते हैं ये बीज फ्रॉम फ्लावर्स, और उसके बाद में उसको लेकर आते हैं, आपने फ्लावर्स पे देखा होगा बहुत सारे बीज को उड़ते हुए, वहां पे जाकर क्या लेकर आ रही है, इसका मतलब वहां से नेक्टर लेकर आ रही है, और उसके बाद क्या करती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, उस नेक्टर को किसमें बदल देती है, हनी में बदल देती है, एंड स्टोर इट इन हाइव, और जो हाइव के जो चैम्बर्स बने होते हैं, आपने देखा होगा हेक्सागोनल चैम्बर्स, तो वो चैम्बर्स हैं उनके अंदर उनको स्टोर करके रख लेती है, हनी को स्टोर करके रख लेती है, क्यों स्टोर क्यों करें, कारण ये है, द रीजन इज वाई स्टोर, फ्लावर्स आर नॉट अवेलेबल, फ्लावर्स पूरे साल भर अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर फ्लावर अवेलेबल हो जाए साल भर तब तो उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फ्लावर्स आर नॉट अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए उनको स्टोर करके रखना पड़ता है, किसको, नेक्टर को, और नेक्टर को बदल के रखना पड़ता है इसमें हनी के फॉर्म में, तो स्टोर्ड हनी फॉर फुल ईयर, पूरे साल भर के लिए उन्होंने स्टोर कर लिया है हनी को। कई बार हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो कलेक्ट हनी फ्रॉम बी हाइव, उन्होंने कलेक्ट किया अपने लिए, और कई बार हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं उससे, तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर देम, क्यों, उनका फूड हमें खा लिया है पूरे साल भर के लिए, तो उन्होंने कलेक्ट करके रखा था, नाउ इट विल बी नॉट अवेलेबल मोर फॉर दोस्त, देन दे विल बी हैविंग लेस फूड, कई बार वो मर भी सकती हैं, कई बार लेकिन मार भी देते लोग, ओके तो दैट इज नॉट द राइट वे, सही तरीका उसका क्या है, उसका सही तरीका होता है एपिकल्चर, ये एपिकल्चर क्या है, नया वर्ड 7 क्लास में पढ़ेंगे, उसमें बिना इन हनी बीज को मारे हुए उनसे हनी कलेक्ट किया जाता है, सो दैट वाज अबाउट द फूड फ्रॉम प्लांट्स हियर एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स हियर। सो टेबल नंबर 1.5 की बात करते हैं, आप बर्ड्स को देख रहे हैं अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो अलग अलग एनिमल्स जो अपना फूड कंज्यूम करते हैं वो फूड खाते हैं, उसके बारे में इस टेबल में बात करेंगे हम। तो दो कॉलम्स हैं, एक तरफ नेम ऑफ द एनिमल है, दूसरी तरफ फूड द एनिमल्स ईट, वो जो फूड खाते हैं उस फूड के बारे में है। तो दो एनिमल्स का फूड तो इसमें दिया गया था ऑलरेडी आपकी बुक में, बाकी एनिमल्स की फूड को आपको भरना था, मैंने एक्चुअली भर दिया है, तो आपको क्या करना है, कुछ और एनिमल्स के नाम ऐड करने हैं लास्ट में, और फिर उनका फूड आपको मेंशन करना है, तो ट्रेवल आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और भी, लेकिन आप उससे ये जानेंगे कि आपको भी फूड के एग्जाम्पल्स लिखने आ रहे हैं। सो द फर्स्ट एनिमल बफेलो, क्या खाता है बफेलो, क्या खाती है, सॉरी, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, समझाता हूँ, ग्रास का मतलब घास, ग्रीन ग्रास, नेक्स्ट ऑयल केक, ऑयल केक का मतलब कुछ प्लांट्स के सीड्स ऐसे होते हैं जिनसे कि ऑयल निकाला जाता है, जैसे कि मस्टर्ड, सरसों, तो सरसों के सीड्स से जब ऑयल निकाल लिया जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट उसका बचता है
वो कहलाता है ऑयल केक। वो एनिमल्स के लिए तो केक की तरह है, जैसे हम लोग जो केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, वो क्रीम मिल्क इन सब से बना होता है। लेकिन अगर हम बफेलो की बात करें तो उसको भी केक पसंद है, तो वो कौन सा केक खाती है, वो ऑयल केक। नेक्स्ट हे, ड्राई ग्रास को हे बोलते हैं, ग्रीन्स वाला अनाज, तो दैट इज द फूड ऑफ द बफेलो। नेक्स्ट कैट की बात करें तो कैट क्या खाती है, कैट का फूड स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है और मिल्क भी पीती है वो। स्मॉल एनिमल का मतलब रैट, चूहा, तो चूहा क्या खाता है, रैट। नेक्स्ट एनिमल रैट ही है, ग्रेन्स अनाज फ्रूट्स फल। ओके नेक्स्ट एनिमल इज लॉयन, लॉयन इज जंगल का राजा। नो, लॉयन इज नॉट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, एक्चुअली इट लिव्स इन द ग्रासलैंड, घास के मैदानों में रहता है वो, जंगल में नहीं रहता, घास के मैदानों में ही उसको अपने प्रे, PREY, प्रे मतलब शिकार मिलते हैं, जैसे कि डियर, DEER, डियर मीन्स हिरण। तो वो क्या खाता है, एनिमल्स को खाता है, एनिमल्स के फ्लैश, FLESH, फ्लैश, फ्लैश का मतलब मांस खाता है। टाइगर नेक्स्ट, तो ये टाइगर एक्चुअली जंगल का राजा होता है, ये जंगल में रहता है, तो ये भी एनिमल्स को खाता है। नेक्स्ट स्पाइडर, मकड़ी, दीवारों पर देखी होगी आपने, कोने में देखी होगी चलते हुए, तो और मकड़ी की आपने एक कविता भी सुनी है, मकड़ी वो दीवारों पर, वो चींटी की है, ओ सॉरी। ओके तो स्पाइडर की बात करें, स्पाइडर किसको खाती है, खुद भी एक इंसेक्ट है और अपने से छोटे छोटे काफी सारे इंसेक्ट को वो खाती है। नेक्स्ट एनिमल इज हाउस लिजर्ड, हाउस लिजर्ड मतलब घरेलू छिपकली, दीवारों पर चलता हो आपने इसको देखा होगा कई बार, तो आपके आसपास गिरी होगी तो आपको लगा होगा जैसे सच में डायनासोर आ गया हो। डरने की जरूरत नहीं है, जहर भी नहीं होता, इंसेक्ट खाती है दीवारों पर। नेक्स्ट एनिमल इज काउ, गाय, वो उसी तरह बफेलो का हमने फूड की बात की थी वैसे ही, वो भी सारा फूड, वही फूड ये भी खाती है, ग्रास ऑयल के ग्रेन्स एंड हे, ये मतलब ड्राई ग्रास सूखी घास। ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम अपनी बात करें, हम क्या क्या खा सकते हैं, हम मतलब पर्टिकुलरली एक इंसान की बात नहीं करें, हम सभी ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबको मिलाकर क्या खाते हैं वो, ग्रेन्स अनाज, यस डेफिनेटली, फ्रूट्स फल खाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियाँ खाते हैं, एनिमल्स एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं उनका, सब एन, मैं सब ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एवरेज। जब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम एक एवरेज की बात करते हैं कि सभी एनिमल्स का एक एवरेज निकाला जाए, तो मतलब ह्यूमन बींग्स खाते हैं एनिमल्स को भी, उनका मीट। नेक्स्ट एनिमल इज बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या करती है, फ्लावर से आपने मंडराते देखा होगा, सो इट कलेक्ट्स नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, उससे अपना फूड भर कंज्यूम करती है उसको फूड के रूप में। नेक्स्ट एनिमल इज क्रो, CROW, क्रो मतलब काला कौवा, तो ये क्या, कौवा क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है, अनाज, स्मॉल बर्ड्स भी, बर्ड्स भी खाता है, इसका मतलब वो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को, मीट को खाता है। और लास्ट वन इज अदर्स, में मेंशन कुछ नहीं था, मैंने लिखा है हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई क्या खाती है, घरेलू मक्खी, वो फ्रूट्स खाती है, ग्रेन्स खाती है, वेजिटेबल्स खाती है, हमारे घर में जो भी तमाम चीज़ें होती हैं उनको सबको खा लेती है। तो इस तरह से हमने इस टेबल के अंदर बात की अलग अलग एनिमल्स के फूड के बारे में आपको, लेकिन इसमें कुछ एनिमल्स के नाम और उनके फूड को अपनी तरफ से ऐड करना है। इस टेबल में बात की डिफरेंट एनिमल्स के फूड के बारे में कि वो क्या क्या अपने फूड के फूड में कंज्यूम करते हैं। तो अब एक आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उसको देखिए टेबल को, एंड ग्रुप द एनिमल्स एज फॉलोज, वो एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में आपको बांटना है। ग्रुप्स में कैसे बांटना है, उनके बेसिस क्या है, फर्स्ट कौन सी बेसिस पर, दोज हु ईट ओनली प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट्स, ऐसे एनिमल्स को अलग ग्रुप में रखिए जो केवल किसको खाते हैं, प्लांट्स को या प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को, प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को। दूसरे वाले ऐसा सेकेंड ऐसा ग्रुप बनाइए, दोज हु ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स का ग्रुप बनाइए, और देयर फ्लैश और मीट या उनका मांस खा जाते हैं। और थर्ड वाले वो एनिमल्स, दोज हु ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी खा जाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को भी, और दूसरा एनिमल्स को भी खा जाता है, तो वो दोनों भी डिपेंड करते हैं। ओके तो उसके बेसिस पर ये जो टेबल आपने अब बनाएंगे वो टेबल होगी 1.6। टेबल 1.5 के एनिमल्स के बेसिस पर अगर हम एक टेबल बनाना चाहें तो टेबल 1.6 बनेगी, और टेबल 1.6 में तीन अलग अलग एनिमल्स की कैटेगरी दे रखी है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में इनको किसको किस में रखेंगे इसके बारे में बात करें। फर्स्ट बफेलो,
सेकेंड वाले में इसके बाद बटरफ्लाई, देन इट इज स्क्विरल, देन इट इज रैबिट, ये सब के सब हर्बीवोर्स के एग्जांपल्स हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर देयर फूड। नेक्स्ट हम बात करें कार्निवोर्स के बारे में। सो कार्निवोर्स लॉयन, कैट्स, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, आउल, ये अपने फूड के लिए एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, या उनके फ्लैश पर डिपेंड करते हैं, या उनके मीट पर डिपेंड करते हैं, मांस पर डिपेंड करते हैं। एंड इन द लास्ट वन ओमनीवोर्स, दे डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। सो डॉग, रैट, ह्यूमन बीइंग, क्रो, डॉग, फिर से सॉरी, सो दीज एनिमल्स आर ओमनीवोर्स, दोनों पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पर भी और प्लांट्स पर भी अपने फूड के लिए। सो इस टेबल के बेसिस पर हमने देखा देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड, वो जो खाते हैं उसके बेसिस पर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। तीनों को एक्सप्लेनेशन करते हैं। हर्बीवोर जो एक वर्ड है वो अपने आप के बारे में खुद सजेस्ट करता है कि मेरा मीनिंग क्या है। अच्छा कैसे, देखिए हर्ब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हर्ब है, हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स। सेकेंड पार्ट इसका वी ओ आर ई, वोर, वोर का मतलब होता है ईटर, खाने वाला, किसको खाने वाला, हर्ब को खाने वाला। तो ऐसे एनिमल्स जो हर्ब्स को, प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। सेकेंड कार्निवोर्स की बात करें, कार्निवोर में जो फर्स्ट वर्ड है वो कार्न है, ये वर्ड तो एक ही है लेकिन इसको समझने के लिए हमें दो पार्ट्स में उसको बदला है। कार्न मीन्स फ्लैश और मीट, सेकेंड पार्ट वोर मीन्स ईटर। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को, मीट को खा जाते हैं, दो आर कार्निवोर्स। थर्ड ओमनीवोर्स, द फर्स्ट पार्ट इज ओमनी, ओमनी का मतलब होता है बोथ। आपने मारुति ओमनी देखी है, मारुति ओमनी में जो कार है उसमें एक्चुअली वैन जैसी कार होती है, उसमें क्या है, उसमें सामान भी ले जाया जा सकता है, लगेज भी, एंड द पीपल ऑल्सो कैन ट्रेवल इन दैट, दोनों काम में आती है, इसलिए इसका नाम ओमनी रखा गया है। यहाँ पर ओमनीवोर्स है, यहाँ पर भी दोनों काम होते हैं, कौन से, प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर सकते हैं ये एनिमल्स, और वो एनिमल्स को भी, एनिमल्स के फ्लैश को, मीट को भी खा सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। तो इसके बेसिस पर हम अब तीनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन कैसी होगी, हर की डेफिनेशन क्या होगी, दोज हु ईट ओनली प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट्स आर नोन एज, आगे क्या जोड़ देना, ओनली आर नॉन एज हर्बीवोर्स, इस वाले में हर्बीवोर आएगा, सेकेंड वाले के यहां पे जोड़ेंगे आर नॉन एज क्या आएगा वहां पर, कार्निवोर्स। थर्ड वाली डेफिनेशन किसकी है, ओमनीवोर्स की, इसमें क्या लिखेंगे, दोज हु ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, आगे क्या लिखेंगे यहां पर, द एनिमल्स के बाद में आर नॉन एज, जब डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यू है, ओके तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एनिमल्स के बाद में क्या लिखेंगे, आर नॉन एज ओमनीवोर्स। तो तीनों डेफिनेशन आपको इस तरह से नोट करनी है, ओके। तो ये तो हमने फूड के बारे में बात की चैप्टर में अब तक, कि फूड की वैरायटी, अलग अलग स्टेट्स में कैसा फूड खाया जाता है, आपको कैसा टेस्टी फूड, फेवरेट फूड आपका कौन सा है, अलग अलग तरह के फूड के बारे में हमने बात की। नाउ फूड फूड फूड, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा हमारे देश में, हमारी कंट्री में, कि जिनके पास प्रॉपरली फूड ही मिलता नहीं बेचारों को। तो क्वेश्चन इज प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है ये, मैनी पीपल डोंट गेट सफिशियंट फूड, सबको सफिशियंट फूड नहीं मिलता है। हमने इतने सारे फेवरेट फूड की बात की ना, कि ये मेरे को ये टेस्टी लगता है, ये फेवरेट फूड है मेरा, आपका ये फेवरेट फूड है, लेकिन बेचारे फेवरेट फूड की बात तो छोड़िए, उनको बेसिक फूड, रोटी सब्जी या दाल या चावल, बेसिक फूड, अलग अलग डाइट की बात तो छोड़ दीजिए, फेवरेट फूड की बात तो वो ही मिल जाए पेट भरने के लिए, दैट इज ओनली सफिशियंट, लेकिन वो सफिशियंट फूड भी उनको नहीं मिल पाता है। सॉल्यूशन क्या है, दो, पहला सॉल्यूशन क्या है, ग्रो मोर फूड, ज्यादा फूड को ग्रो किया जाए, प्लांट्स, हमने बात की कि फूड ज्यादातर सोर्स क्या होता है उसके, प्लांट्स, एनिमल्स भी होता है लेकिन ज्यादा सोर्स कौन सा होता है, प्लांट्स, तो प्लांट्स ज्यादा ग्रो किए जाए, फसलें, क्रॉप्स ज्यादा ग्रो की जाए, लेकिन ज्यादा ग्रोथ करने से होगा, प्रोडक्शन तो खूब सारा होगा, अनाज खूब सारा होगा, दालें खूब सारे होंगी, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स खूब सारे होंगे, लेकिन जब तक वो पहुंचेगा नहीं उन लोगों तक जिनको चाहिए, तब तक तो कोई सोल्यूशन सही नहीं होना। सो द सोल्यूशन सेकेंड इज इंश्योर दैट फूड रीचेज टू द नीडी पीपल, नीडी मतलब जिनको नीड है, नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत, नीड, सो द नीडी पीपल
उनको मिले ये फूड, इंश्योर दैट फूड रीचेस टू द नीडी पीपल, देन ओनली द प्रॉब्लम ऑफ फूड कैन बी सॉल्व. सो दैट इज अ चैप्टर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज. क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस इसमें ओनली चार ही हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में. तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वन, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सबको एक ही जैसा, सेम काइंड, काइंड मतलब जैसा, एक ही जैसा फूड चाहिए क्या? सो आंसर इज नो, सबको एक जैसा फूड नहीं चाहिए. ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी सजीव, डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, एक जैसा फूड नहीं चाहिए. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज फूड एंड दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. कुछ प्लांट्स को खाते हैं अपने फूड के फॉर्म में, हर्बीवोर्स कहलाते हैं. सम एनिमल्स फीड ऑन अदर एनिमल्स एंड दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स. एंड सम अदर्स ईट फूड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एज वेल एज एनिमल्स. कुछ प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों से अपना फूड रिसीव करते हैं. एंड सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट. हम जो खाते हैं ऐसे पांच कोई प्लांट्स के नाम और उनके पार्ट्स को जिनको खाया जाता है, मतलब पांच प्लांट्स के नाम बताने हैं और उनके उन पार्ट्स का नाम बताना है जिनको हम खाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर, ब्रिंजल, बैंगन, उसका हम क्या खाते हैं, फ्रूट. हम ये इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि बायोलॉजी में ये वेजिटेबल्स को सबको क्या बोलते हैं, फ्रूट, फल. नेक्स्ट ग्राउंड नट, मूंगफली, तो मूंगफली का सीड खाया जाता है, बीज. नेक्स्ट पोटैटो, आलू, आलू का स्टेम खाया जाता है, तना. स्टेम, स्टेम तो बाकी में तो एक स्टॉक की तरह नजर आता है, लेकिन इसमें स्टेम की बात करें कि स्टेम खाते पोटैटो को, यस एक्चुअली इसका जो स्टेम है वो मॉडिफाइड है, उसका रूप बदल गया है, वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, उसका स्टेम अंदर की तरफ होता है, जमीन के अंदर, ये एक एक्सेप्शन है. नेक्स्ट बात करें स्पिनैक, पालक, पालक का क्या कहते हैं, हम लीव्स खाते हैं. नेक्स्ट बीट रूट, चुकंदर, उसके नाम में ही रूट्स है तो रूट्स खाते हैं उसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी. कॉलम ए और कॉलम बी दो कॉलम दिए गए हैं, तो आइटम्स जो दे रखे हैं उनको मैच करना है. यहाँ देखिए मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, ये किससे मैच करेंगे, ईट अदर एनिमल्स, नो, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नो, आर वेजिटेबल्स, नो, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, यस. तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं सबके सब, तो इसके साथ में सामने कौन सा लिखेंगे आंसर में, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. उसी तरह से स्पिनैक, कॉलीफ्लावर, कैरेट, स्पिनैक पालक, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, कैरेट गाजर, ये सब के सब क्या हैं, आर वेजिटेबल्स. तो इसके सामने आएगा सेकेंड वाले के सामने. नेक्स्ट लॉयंस एंड टाइगर्स, ये क्या हैं, ये दोनों के दोनों अदर एनिमल्स को खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स. एंड हर्बीवोर्स बच गए अपने आप ही, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका आंसर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वाले टेबल में दिया आपके लिए, दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, लास्ट क्वेश्चन, वाह खत्म ही हो गए, हाँ इतने ही क्वेश्चन है इसमें. फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन, ब्लैंक स्पेसेस वाले क्वेश्चन है, तो उनमें उनके लिए क्या आएगा ब्लैंक स्पेस में, खाली स्थान में क्या आएगा, ये वर्ड्स दे रखे हैं, हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर कैन एंड कार्निवोर. तो हर्बीवोर मतलब शाकाहारी, प्लांट्स पे डिपेंड करने वाले, प्लांट का मतलब पौधा, प्लांट्स, मिल्क दूध, शुगर कैन गन्ना एंड कार्निवोर मांसाहारी. तो टाइगर इज ए, क्या आएगा, बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, क्योंकि केवल मीट खाता है, तो क्या है इसका मतलब, वो दैट इज कार्निवोर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्निवोर. आप इसको किस में लिखेंगे, कौन सी इंक से लिखेंगे, यहाँ पर आप इसको, ये क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन सारे ब्लैक से लिखने हैं आपको और आंसर आपको ब्लू से लिखने हैं, तो यहाँ पर ये टाइगर इज ए इतना तो किससे लिखेंगे, ब्लू से, और इसमें जो आंसर आएगा वो ब्लैक से लिख लेंगे. नेक्स्ट बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो, डियर है जो हिरण है वो केवल प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाता है, सो इट इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हर्बीवोर, ये वाला इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट सी, पैरट ईट्स ओनली, तोता क्या खाता है ओनली, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लांट, ये वाला प्लांट यहाँ आ जाएगा. लास्ट डी, द क्वेश्चन डी,
ब्लैंक दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। वो जो हम ड्रिंक करते हैं काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है, वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो वो क्या है? तो एक ही बचा यहाँ पर, क्या? मिल्क। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के 4 आंसर ये यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने, इसमें यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस कारण वो हर्बीवोर प्लांट एंड मिल्क। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कहाँ से मिलती है? सो द एक ऑप्शन और बचा हुआ था, दैट इज शुगर केन। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस, इस चौथे क्वेश्चन में 5 पार्ट्स थे। सो दैट इज द चैप्टर कंक्लूड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।